वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी अनिशिका। और तो आज मैं मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह का क्या क्या नाश्ता बनाया है मैं दिखाती हूँ। और पोहा और गर्मा गर्म चाय। मेरा पूजा हो गया है और दिन की शुरुआत एकदम पूजा से बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो चलिए दिखाती हूँ आगे मैं क्या क्या करती हूँ और मेरी बदमाश बेटी क्या क्या कर रही है। सब कुछ मिला के अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो देखते जाइए। जय माता दी। तो ये जो अगरबत्ती है ना, ये अगरबत्ती का जो स्मेल है इतना ही मतलब अच्छा है, क्या बताऊँ मैं। काश आप लोग सुन पाते, पूरा घर एकदम महक के मंदिर जैसा लगने लगता है। तो मैं वीडियो बना रही थी और हस्बैंड को जाने में लेट भी हो रहा था, तो चेक करने आ गए थे कि बना है कि नहीं, अगर बना है तो जल्दी से मुझे दे दो। और मैं उनको बोल रही थी डोंट वरी, आप बस बैठो और मेरा सब कुछ रेडी है, चाय उधर, पोहा यहाँ पे, पोमेग्रेनेट छील लिया है और ये है सेब। तो देखिए बन के तैयार है मेरा पोहा। तो पोहा बन के तैयार हो गया है, हस्बैंड बैठ गया है डाइनिंग टेबल पे और मैं इधर सर्व कर रही हूँ। और पोहा किस किस को अच्छा लगता है बताइएगा कमेंट करके, अगर इसका रेसिपी चाहिए। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। ये जो मेरी टी शर्ट में आप वाइट कलर का स्पॉट देख रहे हैं, मैं कुछ ना कुछ DIY करती रहती हूँ, आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यही कलर लगा हुआ है मेरे टी शर्ट में, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और ये देखिए गर्मा गर्म दूध वाली चाय मैंने डाल लिया है कप पर, मुझे बहुत पसंद है दूध वाली चाय के साथ और ये पोहा। तो देखिए ये जो प्रोमाग्रेनेट है, ये डालने से इसका स्वाद और दुगना हो जाता है और ऊपर से सेब डाल दो तो और क्या ही कहना। ये मैं दिल्ली में खाई थी, एक फ्रेंड ने हमें ला के दिया था ऐसे बना के, तब से मैं ये देती हूँ। नहीं, इससे पहले मैं पोमेग्रेनेट और भुजिया नहीं डालती थी, लेकिन ये डालने के बाद इसका स्वाद दुगना हो जाता है। एक बार आप लोग ट्राई करके देखिएगा। ओके, ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है और अभी करीब 11 बज गए हैं। और जो डीप में सामान रखा हुआ था फिश, वो मैं आज निकाल लूँगी, कल तो नहीं धो पाई थी, पानी नहीं था, अभी भी पानी नहीं है, लेकिन आज मुझे बनाना ही पड़ेगा। स्टोर किया हुआ जो पानी है उसी से मुझे धोना पड़ेगा। आप नल देख लीजिए, पानी नहीं आ रहा है, तो मैं ये बाहर रख दूँगी, इसका थोड़ा सा जो कूलिंग है टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल, और उसके बाद मैं धो लूँगी और बनाऊँगी। ये सब करने के बाद सबसे बड़ा और टेंशन वाला काम होता है मेरा, मेरी बेटी को खाना खिलाना। मैं क्या ही बताऊँ, आजकल शायद हर घर में यही प्रॉब्लम है, बच्चे खाना नहीं खाते हैं और पता नहीं क्यों नहीं खाते हैं। मुझे अपने बेबी को खाना खिलाने में लगभग 1 घंटा लग जाता है, मैं ऐसे खड़ा होके उसको इधर उधर की बातें करके फुसला के कितना ही नाटक करके खुद डांस करके इसको खाना खिलाती हूँ, फिर भी ये इतनी नाटक करती है क्या ही बताऊँ आप लोगों को। थोड़ा सा खाती है फिर लास्ट तक थोड़ा ना थोड़ा ये छोड़ ही देती है। तो ऐसे ही मुझे खाना खिलाना पड़ता है। और ये देखिए पानी अभी तक नहीं है, अभी लगभग 5:30 बज गया है। और मैं पूजा घर का जो दिया होता है दिया बाती कर ली थी और उसके बाद हम थोड़ा बाहर निकल गए थे। हस्बैंड ने बोले थे कि चलो हम लोग बाहर ही थोड़ा सा लंच कर ले सॉरी डिनर कर लेते हैं, क्योंकि पानी भी नहीं है और थोड़ा बहुत कुछ लेना भी था। ये विशाल का फुटेज है, विशाल में कुछ हमें एक्सचेंज करना था, फिर उसके बाद हम ये जो क्लिक देख रहे हैं ये हम नयनतारा में गए थे, वहाँ से भी थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था, क्योंकि थर्सडे को मेरे घर में थोड़ा सा पूजा रखा है इशिका के लिए। तो रिसेंटली ग्रॉसरी मार्केट की थी, बट फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, तो हम गए थे बेबी को लेके। और इस बेबी को इस पर बिठा दीजिए और आराम से शॉपिंग कर लीजिए, अभी तक तो ऐसी है, पता नहीं आगे जाके क्या करेगी, वरना बहुत परेशान करती है। तो देखिए ये तो बस शुरुआत थी और बस आगे तक बहुत सामान लिया, क्योंकि एक सामान देखने जाने से और एक सामान लेना होता है। तो उसी के नयनतारा के ठीक फ्रंट में ही आपका ये चाट मिल जाएगा आपको, स्वीट कॉर्न चाट, बहुत यम्मी लगता है मुझे। मैं जितना भी हो सके निकलने से खाने की कोशिश करती हूँ। और दोनों भाई देखिए चाट काउंटर में खड़े हैं, ये देखिए नयनतारा चाट काउंटर में चाट
खाए हम लोगों ने, और फिर रात को हल्का हल्का थोड़ा सा मोमोज, चाउमीन, और भाई ने फ्राइड राइस ले लिया था। तो हल्का फुल्का से हम लोग डिनर करके घर की तरफ चल दिए। तो देखिए हो गया है हमारा डिनर, और ये देखिए इशिका को एक पेस्ट्री खिला दिया था, और घर आके उसको कुछ खिलाना होता है, बाहर का सामान नहीं खाती है। तो देखिए पापा के हाथ पकड़ के एकदम टुकुर टुकुर चलने लगी है, और लगभग हम पहुंच गए हैं। ये हमारा घर की तरफ का ही रास्ता है, तो गेट तक पहुंच गए हैं। 10 बजने वाला था लगभग, रात हो जाता है रात आते आते, क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा दूर है गुवाहाटी से, तो गेट बंद हो गया। ये देखिए रात की 11 बजे और मेरी बेटी बैठी हुई है। जब तक मैं बेड में नहीं जाऊंगी, मेरी बेटी नहीं जाएगी सोने, तो इसको थोड़ा सा खिला लेती हूँ। आने में थोड़ा लेट हो गए हैं हम, और दूध उबाल के रख दिया है बच्ची का, और ये पता नहीं कब सही कर। तो देखती हूँ अगर कंटिन्यू कर पाई ये सब, अगर खोल पाई अभी टाइम अगर मिले तो करूँगी, वरना नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों के सपोर्ट, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि इतने टाइम बाद फिर से मैं वीडियो दे रही हूँ। पहले का सारा मेहनत तो सब पानी में चला गया है, तो अभी मुझे बहुत मेहनत करना है, और उस मेहनत में बस आप लोग थोड़ा सा मुझे साथ दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।